दोस्तों आज मैं जैकी चैन की एक मूवी का रिव्यू करने लगा हूं जो 2020 में रिलीज हुई थी। बस रिव्यू शुरू करने से पहले मेरा नाम है जेब और वेलकम टू जेब रिव्यू। और मेरी वीडियो अगर तुमको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करके जाना यार। चलो बिना टाइम जाया किए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मूवी का नेम है वैनगार्ड। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है जो 2020 में रिलीज हुई। इसकी स्टोरी की बात करें तो इसमें हमें एक सिक्योरिटी कंपनी दिखाई जाती है जो कि बहुत बड़े बड़े लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, यानी उन्हें किसी भी किस्म के खतरे से बचाती है। और मूवी की स्टोरी तभी आगे बढ़ती है जब इनके एक क्लाइंट पर एक मुसीबत आ जाती है और उन्हें इस क्लाइंट को इस मुसीबत से निकालना है और उसे जिंदा भी बचाना है क्योंकि कुछ लोग उसको मारना चाहते हैं। मूवी की ओवरऑल स्टोरी यही है, क्या वो उसको बचा पाते हैं या नहीं, या उन्हें उस बीच किस किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है, इसके लिए तो जाहिर है तुमको मूवी ही देखना पड़ेगी। और दोस्तों अगर तुम यहाँ तक मेरी वीडियो देख चुके हो तो प्लीज इस वीडियो पर 50 लाइक्स करा देना। लेकिन जाहिर है ये वीडियो तुम इसलिए देख रहे हो ताकि पता चल सके कि तुमको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले इस मूवी के एक्शन की बात करें तो दोस्तों मूवी में एक्शन काफी ज्यादा है। शुरू से लेकर एंड तक लास्ट तक एक्शन ही एक्शन है। एक्शन के मामले में ये मूवी तुमको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। अगर तुम इसको सिर्फ एक्शन के लिए देखोगे तब भी ये मूवी तुमको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी एक्शन के मामले में। अब अगर VFX और ग्राफिक्स की बात करें तो ये कुछ इस तरह की मूवी तो नहीं है जिसमें VFX या ग्राफिक्स का बहुत हैवीली यूज हो, लेकिन फिर भी तुम्हें इसमें काफी जगह पर VFX की कमी या VFX का पुअर वर्क देखने को मिलेगा जिसे तुम बहुत ही आसानी से नोटिस कर सकते हो। लेकिन उन चीजों को इग्नोर भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो बार बार तुम्हारी आंखों के सामने आती रहेगी जिसको देखना थोड़ा वियर्ड होगा। अब बात करते हैं स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट की। तो दोस्तों इसकी स्टोरी टेलिंग कुछ खास नहीं है, जितनी मैंने तुमको बताई सिर्फ इतनी ही स्टोरी है और इसी स्टोरी को मूवी बार बार फॉलो करती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी कुछ बहुत खास नहीं है। हमारा किसी भी कैरेक्टर के साथ इतना खास कनेक्शन नहीं बैठता कि हमें उसके लिए अच्छा या बुरा फील हो। तो चलो अब सीधा इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं। इसका पॉजिटिव पॉइंट तो मुझे सिर्फ एक ही लगा, वो है इसका एक्शन। जैसा कि मैंने कहा इसमें एक्शन काफी है, शुरू से लेकर लास्ट तक एक्शन ही एक्शन है क्योंकि जाहिर है इसमें जैकी चैन है तो एक्शन तो होगा ही। लेकिन इसके अलावा मुझे इसका कोई भी पॉजिटिव पॉइंट याद नहीं आ रहा। अब बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट्स की तो VFX की कमी, पुअर वर्क जो कि बार बार आंखों के सामने आता है, साफ नजर आता है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा इसकी स्टोरी जो कि, और हमें ये भी पता चल जाता है कि इसकी स्टोरी में कुछ खास दम नहीं है। अब ओवरऑल बात करें तो दोस्तों ये मूवी उन लोगों के लिए तो ठीक है जो मूवी में सिर्फ एक्शन ही देखना पसंद करते हैं या एक्शन के लिए ही मूवी देखते हैं। लेकिन वो ऑडियंस जो मूवी में स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट या इस तरह की और चीजों को जैसे कि VFX इन चीजों को भी नोटिस करती है, उनको ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। हो सकता है वो बोर भी हो कहीं ना कहीं, क्योंकि जाहिर है एक्शन तो मैं कब तक ही रोकेगा। मैं भी इस मूवी को देखते देखते एंड तक काफी बोर हो गया था। अब तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो एक्शन के लिए देख लो वरना मैं ये मूवी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम इसको देखो। बाकी तुम अगर फिर भी इसको देखने का मूड बना रहे हो तो इसकी IMDb रेटिंग सुन लो जो कि है 4.7। और हाँ ये तुम्हें हिंदी और इंग्लिश तो नहीं लेकिन हिंदी और चाइनीज लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों अगर तुमको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।